तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई जीदा का एक सॉन्ग है जिसका नाम है माशाल्लाह। तो बस आज की इस वीडियो में हम इसी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। और भाई, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पर्सनली डीएम किया था, हमको लिंक भी सेंड किए थे कि हम इस पर रिएक्शन करें। तो बस आज की वीडियो हम स्पेशली उनके लिए ही सेंड भाई ये मेरे पर्सनली उस पर आया था। मतलब पर्सनल मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है ना, उनको पता नहीं कहाँ से पता चला मेरा पर्सनल अकाउंट, तो उस पर जाके उन्होंने पर्सनली शेयर किया था। बस आज की वीडियो में हम स्पेशली उनके लिए यही वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो, आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं सॉन्ग के ऊपर, आखिर कैसा सॉन्ग है। तो चलो, 1 2 3 गो। বিন্দু পুরে মনের ঘরে ডাকাত পড়েছে, তোর সিল্ক জুলের বিউটিফুল এক নেশা ধরেছে। মাশা আল্লাহ, ও মাশা আল্লাহ, মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। সকালের জল্প আশায় কোন স্বপ্নেরা ভিড় করে চোখের পাতায়, আস্ত জনের মন গোপনে দারুম সেজেছে, ইচ্ছে খুশির নহবতে সানাই বেজেছে। মাশা আল্লাহ, মাশা আল্লাহ, মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। তোর চোখে চোখ রেখে হাত ছলে, আটকে থাকি না মন চার দেওয়ালে, মন পাখি তার খেয়াল খুশির ডানা মেলেছে, দিক ভুলে ঠিক খোলা হাওয়াই উড়েছে। মাশা আল্লাহ, ও মাশা আল্লাহ, মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। মাশা আল্লাহ, তোর জেলা আমায় ঘায়াল করেছে। तो भाई ये था गाना माशा अल्लाह जीदा। भाई जबरदस्त सॉन्ग था यार, इतनी प्यारी वाइबिंग थी ना यार इस सॉन्ग की, बहुत जबरदस्त लिरिक्स, जबरदस्त थे और साथ ही म्यूजिक, इस सॉन्ग को जो म्यूजिक था ना यार, म्यूजिक और जिस तरीके से इन्होंने गाया ना, जो सिंगर है, और ये शायद से सुल्तान द सेवियर का गाना है यार ये, और जिन्होंने गाया ना भाई ये माशा अल्लाह, देवी नेगी और आकृति कक्कर, शायद से ही है, दोनों ने काफी तगड़े तरीके से सिंगिंग की। और उसके साथ देखो, मेरे को जो लगा ना, जो मैंने पर्सनली फील किया काफी सारे बंगाली गाने सुनने के बाद, इनकी सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच होती है, इनके गाने टॉप नॉच होते हैं, म्यूजिक भी तगड़ा होता है, म्यूजिक मतलब ऐसा लगता है कि
मतलब कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है यार इनकी बहुत तगड़ी है, बस सिनेमेटोग्राफी ऐसा लगता है कि भाई हाथ बड़े जमे हुए हैं लगते हैं। और मुझे एक चीज और लगती है कि पर्सनली मेरे को जो कोरियोग्राफी है ना उसमें लगता है कि थोड़ा वी हल्का सा, वो बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा होता है कि तो कुछ वी होता है। इसमें तो मुझे ना ड्रेस ऑफ सन्स बड़ी प्यारी लगी जो जीत था कि बैक टू बैक ड्रेस ऑफ सन्स जो चेंज हो रही थी ना, फर्स्ट वाली ब्लैक फिर रेड में अभी ये थोड़ी जीन्स टाइप में बड़ी प्यारी जो हीरोइन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे लगे। भाई मजा आया यार, मतलब इसमें ये गाना थोड़ा ना एनर्जेटिक था, डांस करने वाला था, मतलब भाई मजा आ गया। बाकी आप सबको ये सॉन्ग कैसा लगा, आप सबका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में टिक टिक करके भाई लिख देना। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।